नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं रणवीर सिंह की ही दो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें उनकी पहली फिल्म है पद्मावत जो कि इसी साल जनवरी के महीने में आई थी और इस साल के शुरुआत की थी। वही दूसरी फिल्म है सिम्बा जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई है यानी दिसंबर के महीने में और 2018 को गुड बाय कह रही है। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों का जो कलेक्शन है काफ़ी शानदार है, लेकिन देखना यह है कि दोनों फिल्मों में किस फिल्म ने दो में सबसे ज्यादा कमाई की। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैन बेस फैंटेसी क्रिकेट ऐप ने। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसमें आप फैंटेसी क्रिकेट गेम खेल के लाखों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी आप पर रेफर डाउनलोड कमा सकते हो। और यहाँ पर अपनी कमाई हुई राशि निकालने के लिए आप सिंपली विड्रॉ में जाके अपने कमाई हुई राशि को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पद्मावत के बारे में, तो दोस्तों पद्मावत को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने और इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण नजर आए थे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पद्मावत की कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। इसी की वजह से इस फिल्म का जो प्रमोशन था वो अलग ही लेवल पर चले गया था और इसका पूरा फायदा मिला फिल्म को, क्योंकि ज़्यादा प्रमोशन होने की वजह से बनी सी बात है कि फिल्म के कलेक्शन भी ज़्यादा आएंगे ही। तो अगर दोस्तों बात करें पद्मावत के दो दिन के कलेक्शन के बारे में, तो पद्मावत ने अपने पहले दिन लगभग 19 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 32 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से लगभग डबल कलेक्शन इस फिल्म ने दूसरे दिन किया था, क्योंकि दूसरे दिन इस फिल्म को हॉलीडे यानी 26 जनवरी मिल गई थी। इसी तरह पद्मावत ने अपने दो दिन में लगभग 56 करोड़ यानी 56 करोड़ का कारोबार कर लिया था। वही दोस्तों अगर बात करें सिम्बा के बारे में, तो सिम्बा को रिलीज किया गया इस हफ्ते यानी कि बिना किसी त्यौहार के, और सिम्बा का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस साल आई शाहरुख खान की फिल्म जीरो जिसकी स्क्रीन थी लगभग 4380 उससे ज्यादा कमाई की और सिम्बा ने अपने पहले दिन कमाए लगभग 21 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें सिम्बा के सेकंड डे कलेक्शन की, तो सेकंड डे इस फिल्म का जो जंप है वो काफी ज्यादा मारा और इस फिल्म की ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट मिली उस हिसाब से सिम्बा अपने सेकंड डे लगभग 26 करोड़ का कारोबार कर सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों जो सिम्बा का दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 47 करोड़ यानी 47 करोड़ रुपए। वही पद्मावत ने अपने दो दिन में कमाए थे 56 करोड़। तो दोस्तों जहां पद्मावत की बात करें, तो पद्मावत ने अपने लाइफ टाइम में लगभग 300 करोड़ का कारोबार किया था, लेकिन देखना यह है कि सिम्बा कितनी कमाई कर पाती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सिम्बा का कलेक्शन क्या रह सकता है, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।